हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आवर बॉडी ए वंडरफुल मशीन, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली सेंस ऑर्गन्स के बारे में। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है और एक हेल्प बॉक्स है, तो हेल्प बॉक्स से आपको पिक्चर्स में जो लेबलिंग करनी है, जहां पर एरो बना हुआ है वहां पर राइट ऑर्गन्स का नाम लिखना है, राइट वर्ड लिखना है। जैसे हेयर की जगह पर हेयर, आईज की जगह पर आईज, इस तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। अवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। जिस तरह से मशीन काम करती है अलग अलग पार्ट्स को मिला के, तो इसी तरह से हमारी बॉडी, हर एक बॉडी, ईच बॉडी पार्ट ऑफ इट हैज ए स्पेशल फंक्शन। हमारी जिस तरह से मशीन में अलग अलग पार्ट्स का रोल होता है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है। और ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। सारे पार्ट्स मिलकर के हमें स्वस्थ बनाते हैं और हमारे सब काम होते हैं। तो इसके लिए बच्चों, अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। Our body is divided into some parts like head, neck, trunk and limbs. तो सबसे पहले head के बारे में पढ़ते हैं। Head is made up of a bony box, एक हड्डी का box के जैसे होता है, जिसको skull बोलते हैं। और skull के अंदर brain होता है, जिससे हमारी सारी activities human life की जो होती हैं, वो control होती हैं। And hair grow over the skull. और forehead is present on the head in front. Head में Head has a pair of eyes, external ears, a nose, a mouth. और जो हमारी eyes होती हैं, वो eyelids से protected होती हैं। और eyelids जो होती हैं, उनमें eyelashes भी होते हैं। Our mouth consists of upper and lower lips. हमारे मुंह में ऊपर और नीचे दो lips होते हैं। और tongue जो होती है, वो मुंह के अंदर होती है। Neck, head जो है, वो connected होता है trunk से by a flexible neck. Limbs. Limbs include two arms, upper limbs and two legs, lower limbs. जो two arms हैं, उनको हम upper limb बोलते हैं, और जो पैर होते हैं दो, उनको हम lower limbs बोलते हैं। तो upper limbs जो हैं या arm है, वो हमारी upper arm, उसमें आगे elbow, hand, wrist, palm, fingers. और lower limb में हमारे leg में जो चीजें होती हैं, thigh, knee, calf, ankle, foot, ये सब चीजें। Sense organs जो हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज में आती हैं, उनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। बच्चों, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, फील। तो ये हमारी सेंस ऑर्गन्स हो गई। एक्टिविटी टाइम में बच्चों, यहाँ पर आपको ऑल द बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं, जो हमारी बॉडी जिसमें डिवाइडेड है। एंड हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव टू सी इट। आईज, सेंस ऑफ साइट। तो बच्चों, आईज से क्या होता है, हम देख पाते हैं चीजों को, अपने सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं, वो किस साइज की है, शेप की है, ऑब्जेक्ट कलर के हैं। तो हमारी आईज जो होती हैं, वो छोटी होती हैं और एंड नियर एज ए टाइनी इंसेक्ट ऑन योर बुक पेज। और वो छोटी से छोटी चीज को भी देख सकती हैं, दूर की चीज को भी देख सकती हैं, बड़ी चीज जैसे बहुत दूर मून, स्टार्स होते हैं, उनको भी देख सकती हैं। ह्यूमन आईज जो होती हैं, वो उनमें बेटर सेंस ऑफ कलर होता है एनिमल्स की तुलना में। एंड ईयर्स, ईयर्स क्या होते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, जिससे कि हम सुन सकते हैं। हमारे कान में मेनली तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो ईयर है आर डेलिकेट एंड कैन इजिली बी डैमेज। तो इसलिए हमें कोई भी अपने कान में किसी भी चीज से पोक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें डीफनेस यानी बहरापन हो सकता है। नोज, नोज मतलब सेंस ऑफ स्मेल। नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं किसी भी चीज को। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व इन साइड अवर नोज, जो जिससे कि हम स्मेल कर पाते हैं। माउथ और नोज की जो ओपनिंग होती है, वो गले के बैक साइड में मिली हुई होती है। And our sense of smell is useful when we are eating. It helps us to know whether the food is stale or fresh. बासी है, ताजा है, वो खाना हमें सब स्मेल से पता चल जाता है। इसीलिए टेस्ट ऑर्गन्स और स्मेल की ऑर्गन्स जो होती हैं, वो एक दूसरे के पास होती हैं।
मोस्ट अदर एनिमल्स हैव ए मच बेटर सेंस ऑफ स्मेल देन ह्यूमंस। जैसे कि डॉग्स हैं, वो उनमें स्मेल की सेंस ज्यादा होती है ह्यूमन से। ड्यू टू देयर सेंस ऑफ स्मॉल डॉग्स आर ऑल्सो यूज बाई पुलिस एंड अदर एजेंसीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसीलिए पुलिस जो है छोटे कुत्तों को रखती है अपने साथ ताकि वो स्मेल कर पाए। तो बच्चों, क्या आपको पता है जो नाक के अंदर हेयर्स होते हैं वो हमारे डस्ट और जम्स को हमसे दूर रखने के लिए होते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं। टंग, टंग यानी कि सेंस ऑफ टेस्ट। टंग इज ए मस्कुलर फ्लेक्सिबल फ्लैप इन साइड अवर माउथ। मुंह के अंदर एक मसल से बना हुआ फ्लेक्सिबल फ्लैप होता है जिसको हम टंग बोलते हैं, जो कि हमें टेस्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, बात करने के लिए हेल्प करती है। चार डिफरेंट टेस्ट होते हैं बच्चों, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। तो वी कैन टेस्ट फूड क्योंकि हमारी टंग में टेस्ट बड्स होती हैं। नर्व्स रनिंग फ्रॉम द टेस्ट बड्स टू ब्रेन हमें बताती हैं फूड जो हम खा रहे हैं वो स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है या बिटर है। सेंस ऑफ टच। स्किन इज द कवरिंग ऑन आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी। हमारे जो पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर्ड होती है, जो कि इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी एंड इज सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, पेन। ये मतलब हमारी स्किन जो है वो ज्यादा गर्मी से, ठंडी से, लाइट टच से, हेवी टच, प्रेशर, इन सबसे सेंसिटिव होती है। तो हमारी स्किन्स में अलग अलग नर्व्स होती हैं जो अलग अलग तरह के सेंसेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं, एंड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पास करते हैं सेंसेशन को अलोंग नर्व्स टू द ब्रेन, ब्रेन तक वो हम उनको पास करते हैं। थैंक यू बच्चों।